Hey guys, this is Ajay Singh and I hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to the channel. This time we are heading to a new place, the Himalayan state, the Uttarakhand. So it is going to be a super exciting vlog, so watch till the end guys. And most of the information which I will be providing, which will be very useful for you people. So do not skip, watch till the end. So guys, this is my day 2 and right now we are in Vijayawada Junction. I am traveling with my relatives. He is Kunal, he is Raveen and he is Ritesh. We are traveling together. So Vijayawada is a very big junction. So here you will get a lot of options to eat here if you don't carry food. So yeah. Hey guys, this is चलो 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 बराबर है यहाँ पर अभी एक ऑटो वाले ने लेफ्ट इंडिकेटर डालकर राइट लिया तो आपको समझ जाना चाहिए वी आर इन दिल्ली राइट नाउ तो हम दिल्ली आ चुके हैं दैट इज निजामुद्दीन द साउथ दिल्ली तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा हरिद्वार तो हरिद्वार के लिए ट्रेन के लिए अनरिजर्व टिकट हम ले रहे हैं यहाँ से तो फिर मिलते हैं डायरेक्टली ट्रेन में हरिद्वार के टिकट लेने के बाद वी आर हैविंग पनीर भुर्जी विथ नान So this is the Utkal Express. इसी से हमको जाना है हरिद्वार ये ट्रेन थोड़ी भीड़ है थोड़ा साइड भैया वो भाई साहब भी हैं हमारे साथ हाँ चलो भाई तो अगर आजकल डाल दे यूट्यूब पर डाल दे हाँ जरूर फाइनली हम कहाँ आ गए हरिद्वार आ गए हैं यहाँ से अभी बाहर निकलेंगे बाहर निकल के बताते हैं कैसी वेदर है यहाँ पर वेदर तो अभी ठीक ठाक लग रहा है अभी बाहर निकलते हैं जुगाड़ करते कहाँ जाएंगे पता नहीं अभी रूम आई डोंट नो वेदर विल बी बुकिंग अ रूम और वॉट सो
I will update you soon. Book karunga yahan pe. Yahan pe weather kaisa hai? Thand hai, thoda zyada bahut hai. Thoda bahut zyada bahut hai. Thand theek thaak hai. Maza aa raha hai. Weather is good. So guys, we are just walking in the streets and what I have noticed about the city is weather is so amazing. Isn't it? Yeah, yeah. The weather sach mein acha hai. Abhi chalne mein bhi maza aa raha hai. तो हम दोस्त अजय है, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था मैंने. तो हम अभी चल रहे हैं, अभी वी आर जस्ट फाइंडिंग अ होटल. सो आई गेस आई डायरेक्टली टेक यू टू द होटल. सो लेट्स गो. या आप जब भी स्टेशन से बाहर निकलोगे आपको यहाँ से बहुत सारा शॉप्स मिलेगा. यू कैन फाइंड फॉर फूड, यू कैन फाइंड योर फूड. यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल हैं. यू कैन सी लाइक तो यहाँ पर बहुत चीप है when you compare to other states. यहाँ पे बहुत ही cheap food मिलते हैं. So you can try. So this is the lodge and we are going to check in right now. वहीं पर जाएंगे अंदर. दिखाता हूँ कमरा कैसा है यहाँ पर, कैसा होगा. सो गाइस, दिस इज़ द रूम दैट वी हैव गॉट एंड जस्ट नाउ वी चेक्ड इन एंड द रूम इज़ ओके. ओके, आई डोंट नो द प्राइस, सस्पेंस है, बाद में पता चलेगा कितना है. बट ओवरऑल बजट के हिसाब से ठीक होना चाहिए. एंड वी आर अ बजट ट्रैवलर ऑफकोर्स, सो ऐसा रूम चूज़ करना पड़ता है हमको. तो मैं बताता हूँ आपको एंड ऑफ द यू नो एंड ऑफ द डे कितना होता है इसका प्राइस. सो या तो हमने आज डिनर आंटी जी के यहाँ पर किया, बहुत ही अच्छा लगा. तो आपका दुकान का नाम क्या? जय माँ दुर्गा भोजनालय. जय माँ दुर्गा भोजनालय, बहुत ही अच्छा था. थैंक यू आंटी जी. सो दिस प्लेस इज जस्ट नियर टू द रेलवे स्टेशन. सो इफ यू फील हंग्री यू कैन कम हियर. राइट नाउ द टाइम इज 12:08 एंड वी आर हैविंग डिनर एट दिस टाइम. सो इट्स यूजुअल इन दिस प्लेस एंड वी आर just roaming in the city, in the street where no one is here. So that's all about today's vlog guys, and I hope you loved it, enjoyed it. Just now we completed our dinner and right now we are going to a room, and I will see you in the next episode of Uttarakhand. So that's all about today's episode. So if you're new to this channel, consider subscribing this channel, Travel Pahadi. Stay tuned with this channel for more updates like this. Thanks, stay tuned. We'll meet soon.